بسم الله الرحمن الرحيم। एक रोज सूरज गुरब होने की थोड़ी देर बाद पुर्तगाल का हुक्मरान सिंकू अपने मरकजी शहर से बाहर मस्तकर की तरफ निकला। उसके साथ उसकी भतीजी माजन, टेम्पलरों का सालार कारियून और कुछ दीगर सालार थे। शहर से निकलकर पहले वो उस जगह आए जिस जगह दूर दूर तक खैमे नसब थे और यहाँ यूरोप से आने वाले रजाकारों, टेम्पलरों, हॉस्पिटलरों और नाइटों का क्याम था। सिंकू उस वक्त सर पर तिलाई टोपी पहने हुए था जिस पर रेशमी फूल बने हुए थे, कमर पर चरमी पटका था जिस पर चांदी का कान था और उस पर फिरोजे लगे हुए थे। ऐसा ही लिबास माजन ने भी पहना हुआ था, ताहम उसके साथ जो कारियून था वो जंगी लिबास में था। जब वो यूरोपी रजाकारों के खेमे में दाखिल हुए तो एक जगह रुक गए। लोगों का एक हजूम था जो उनके गिर्द जमा हो गया था। इस मौका पर सिंकू ने अपने पहलू में खड़े कारियून को मुखातब किया। कारियून, तुमने मुझ पर दो बातें वाजी की थी। एक उस जवान की तारीफ की थी जो यूरोप से आया है, जो नाइट है और तेगनी में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। दूसरा कोई गवैया है जिसका तुमने जिक्र किया था। पहले मैं उस नाइट से मिलना पसंद करूंगा जिसने ये पेशकश की है कि वो याकूब अल मंसूर के सालार अहमद बिन सईद से इनफरादी मुकाबला करके माजन को हासिल करना चाहता है। इसके बाद मैं नगमा गो का नगमा सुनूंगा। देखते ही देखते कारियून के कहने पर खेमों के दरमियान एक पिंडाल सा बन गया था। कालीन के ऊपर चादरें बिछा दी गई थी। सिंकू, माजन, कारियून और दीगर सालार वहां बैठ गए थे। कारियून के कहने पर एक सिपाही बागा बागा खेमों के अंदर चला गया था। थोड़ी ही देर बाद उसने एक खूब खसे हुए जवान को सिंकू के सामने पेश किया। सिंकू ने उठकर उससे मुसाफा किया और उसे अपने सामने बिठाया। थोड़ी देर तक सिंकू ही नहीं माजन भी उस जवान की तरफ बड़े गौर से देखती रही जिसकी पेशानी और चेहरे के बाएं हिस्से पर कुछ जख्म थे। कद काठ का खूब लंबा था, जिस्म ऐसा सडोल, ऐसा कसा हुआ कि लगता था वो जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कसरत करता रहा हो। जब वो सिंकू के सामने बैठ गया तो सिंकू ने उसे मुखातब किया। कारियून ने बताया था कि तुम्हारा ताल्लुक इटली से है। इसने मुझे तुम्हारा नाम भी बताया था पर मैं तुम्हारा नाम भूल गया हूँ। बताओ तुम्हारा क्या नाम है। वो जवान बोलते बोलते रो गया, इसलिए कि उससे मिलती जुलती शक्ल का उस जैसा अजीम उलजस्सा एक जवान करीब आया। उसने हाथ के इशारे से उसे करीब बुलाया, फिर उसने सिंकू को मुखातब करते हुए कहा, मेरा नाम मैनफ्रेड है। ये जो जवान अभी आया है जिसे मैंने अपने पास बिठाया है, ये मेरा छोटा भाई है और इसका नाम हारवत है। सिंकू ने फिर उसे मुखातब किया, तुम दोनों में से तेगनी और जंगी फनून में कौन ज्यादा महारत रखता है। सिंकू के इस इस्तफसार पर छोटे भाई हारवत ने अपने बड़े भाई मैनफ्रेड की तरफ इशारा कर दिया था। उसका मकसद ये था कि मैनफ्रेड तेगनी और दूसरे अरबी फनून में उससे आला और अरफा है। तब सिंकू के चेहरे पर मुस्कुराहट नमोदार हुई। इसके बाद उसने मैनफ्रेड की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, जैसा कि कारियून ने मुझे बताया है कि उसने एक मुसलमान सालार के मुतालिक तुमसे गुफ्तगू की है, क्या ये दुरुस्त है। मैनफ्रेड के चेहरे पर गमंड आमेज तंजिया से मुस्कुराहट नमोदार हुई। फिर वो बोल पड़ा, आपका कहना दुरुस्त है, कारियून ने एक मुसलमान सालार से मुतालिक मेरे साथ गुफ्तगू की थी जिसका नाम अहमद बिन सईद है और कारियून का कहना है कि वो तेग जनी में इंतहा की महारत रखता है और नाकाबिल तस्खीर ख्याल किया जाता है। कारियों ने मुझे ये भी पेशकश की थी कि मैं अगर इनफरादी मुकाबले में मुसलमानों के सालार को जेर करूं या उसका सर कलम कर दूं, तो आप अपनी भतीजी माजन को मुझसे ब्याह देंगे, क्या ये दुरुस्त है। सिंकू के चेहरे पर लम्हा भर के लिए मुस्कुराहट नमोदार हुई। इसके बाद उसने कहना शुरू किया, जो पेशकश कारियों ने तुमसे की है वो दुरुस्त है। अगर तुम अहमद बिन सईद नाम के सालार को इनफरादी मुकाबले में जेर कर दो, उसकी गर्दन काट दो, तो मैं अपनी भतीजी माजन को तुमसे ब्याह दूंगा। माजन ये मेरे पहलू में बैठी है और सारी गुफ्तगू सुन रही है। मैं तुमसे ये भी कह दूं कि माजन की तरफ से ऐलान किया जा चुका है कि जो शख्स भी उस मुसलमान सालार को जेर करेगा माजन उसकी हो जाएगी। अब तुम कहो तुम्हारे क्या इरादे हैं। मैनफ्रेड के चेहरे पर मुस्कुराहट नमोदार हुई थी।
कुछ देर तक वो सोचों में खोया रहा, फिर भरपूर निगाह उसने अपने सामने माजन पर डाली, फिर सिंको को मुखातब करके कहने लगा, वो मुसलमान सालार कैसा भी तेगजन क्यों न हो, तलवार के फन में कैसी ही महारत क्यों न रखता हो, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं उसे कजा के ढेर तले और मौत के समंदर में दफन कर दूंगा, उसकी शुजात के खिलाफ उतारूंगा, उसके सोचों के अंदर तूफान भर दूंगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जब कभी भी मेरा और उसका मुकाबला हुआ, उसकी हालत मेरे सामने सिसकते लम्हों से भी बदतर होकर रह जाएगी। इससे पहले कारियों ने भी उस मुसलमान सालार की मेरे सामने बड़ी तारीफ की है। मैं आपके लश्कर में भी घूम फिर कर पूछता रहा हूँ, हर एक ने उसकी तेगजनी में महारत की तारीफ की है। इसके बावजूद मैं उससे मुकाबला करूँगा, उसकी हयात को मुर्तैश करूँगा, उसे उसकी खौफनाक शिकस्त से दोचार करूँगा। जब उससे टकराव होगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मेरी तलवार की तेज और सख्त धार उसे कांटों और बदबख्तियों की जंबीलों में उलझा कर रख देगी। मैनफ्रेड की गुफ्तगु सुनकर सिंको खुश हो गया था। इसके बाद उसने मैनफ्रेड को मुखातब किया, अगर तुम अहमद बिन सईद नाम के उस सालार को इनफरादी मुकाबले में जेर करने में कामयाब हो जाओ तो मैं तुम्हें वादा देता हूँ कि मेरी भतीजी माजन और कारियन के बाद मेरी मुमलकत में सबसे ज्यादा तुम ही बाइज्जत होगे। इस पर मुस्तजा दिए कि मैं तुम्हें अपने लश्कर में शामिल करूँ, लश्कर में तुम्हारी हैसियत एक आला और अरफा सालार की सी होगी। उस मुसलमान सालार को जेर करने के बाद सबसे बड़ा इनाम तो तुम्हारे लिए माजन होगी, इसके अलावा जिन इनामात से मैं तुम्हें नवाजूंगा उसका तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते, इसलिए कि वो शख्स इस काबिल है उसे इनफरादी मुकाबले में तरसा तरसा कर ख़त्म किया जाए, इसलिए कि माजी में वो हमारे कई सूरमाओं को इनफरादी मुकाबले में मौत से हमकिनार कर चुका है, लिहाजा उससे इंतकाम लेना हमारा फ़र्ज बनता है। मैनफ्रेड और उसके भाई हावरत दोनों ने सिंको की इस तजवीज़ से इतफाक़ किया। फिर ये मुआहदा तय होने के बाद कारियन की तरफ देखते हुए सिंको बोल पड़ा, अब उस गाने वाले को बुलाओ जिसकी तुम तारीफ करते हो। कारियन फौरन उठ खड़ा हुआ, एक सिपाही को बुलाकर उसे कुछ समझाया। वो सिपाही थोड़ी देर बाद एक गाने वाले को लेकर आया जो अपने कंधे से एक चतारा लटकाए हुए था। करीब आकर उसने सिंको को ताजीम दी, फिर कारियन के कहने पर वो सिंको के सामने बैठ गया और चतारे की धीमी धीमी लय पर वो एक पुरकशिश गीत उनके सामने बैठ कर गाने लगा था। नगमा सराय की ये महफल जारी थी कि सिंकू का हाजब उसके करीब गया, उसके कान में कुछ सरगोशी की जिसे सुनकर सिंकू छौंका, हाथ के इशारे से उसने गाने वाले को रोक दिया, फिर उसने दूसरा इशारा दिया जिस पर गाने वाला उठकर मजलिस से चला गया था। गाने का ये सिलसिला बंद हो गया, तब सिंकू ने अपने हाजब से कुछ कहा जिसे सुनकर वो बाहर निकल गया। थोड़ी ही देर बाद कुछ मसल्ला जवानों को सिंकू के सामने पेश किया गया। सिंकू अपनी जगह से उठा, उनका बेहतरीन इस्तकबाल किया, उनसे मुसाफा किया, खाली नशिस्तों पर उन्हें बैठने के लिए कहा। जब वो बैठ गए तब सिंकू ने उन्हें मुखातब किया, मेरे हाजब ने मुझे बताया है कि तुम लोग कासिद हो, मेरे भाई अल्फांसो की तरफ से आए हो और कोई अहम पैगाम देना चाहते हो, कहो तुम क्या कहते हो। इस पर उन सब ने बहम मशवरा किया। इसके बाद उनकी नुमाइंदगी करते हुए एक बोल पड़ा, अजीम सिंकू, आपके हाजब ने दुरुस्त कहा है, हमें हमारे आका अल्फांसो ने आपकी तरफ रवाना किया है। आपके पास ये खबरें पहुंच चुकी होंगी कि अर्ज़ फलस्तीन में नसरानी कुतों को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है और तमाम कुतें ख्वा उनका ताल्लुक यूरोप से हो या किसी और इलाके से फलस्तीन छोड़कर वापस चली गई हैं। इस तरह फलस्तीन में मुसलमानों का सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी फातेह और कामयाब रहा है। ये खबर भी आपके पास पहुंच चुकी होगी कि जो यूरोपी रजाकार स्पेन से फलस्तीन की तरफ गए थे, रास्ते में मुसलमान कुतों ने उनका खात्मा कर दिया। अब जो सलेब के मुहाफ़िज अर्ज़ फलस्तीन में मुसलमानों के खिलाफ जंग करते रहे हैं, वो खुश्की के रास्ते फ्रांस से होते हुए स्पेन में दाखिल हो रहे हैं। कुछ का रुख आपकी तरफ है, कुछ का अल्फांसो की तरफ। अब जबकि हमारे लश्करियों की तादाद कई गुना ज्यादा हो चुकी है, तो अल्फांसो का ख्याल है कि मुसलमानों पर आखिरी और तबाकुन जरब लगाई जाए कि फिर उन्हें स्पेन में रहने और यहाँ जमने की जसारत न हो। जहाँ तक हमारे आका अल्फांसो के लश्कर का ताल्लुक है,
तो इस वक्त जिस कदर असाकर मुसलमानों के अमीर याकूब अल मंसूर के पास हैं, उससे 10 गुना से भी ज्यादा बड़ा लश्कर अल्फांसो ने तैयार कर रखा है। और ये वो लश्कर है जो बाकायदा तरबियत याफ्ता है, रजाकार इसके अलावा हैं। मैं नहीं जानता कि आपका लश्कर अददी लिहाज से कैसा है, पर मेरा अंदाजा है आपके लश्कर की तादाद भी हमारे आका अल्फांसो से कम न होगी। सिंकू ने होंठों पर जुबान फेरी, उसकी आंखों में शरारत, चेहरे पर मुस्कुराहट थी। फिर उसने कासिद की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है, हमारे लश्कर की तादाद भी यकीनन अल्फांसो की लगभग ही है। तुम्हारे ये अल्फाज मेरे दिल को बाए हैं कि अब वक्त आ गया है कि मुसलमानों को स्पेन से निकाल बाहर किया जाए। हमारे लश्कर में अब भी यूरोप से आने वाले रजाकार शामिल हो रहे हैं। अब हमारे लश्कर के 3 हिस्से होंगे, एक खुद मेरी कमांडारी में होगा, दूसरा मेरी भतीजी माजन और कारियन की सरकर्दगी में होगा, उनके लश्कर के भी 2 हिस्से होंगे, ताहम ये मुतहद रहेंगे। जरूरत पड़ी तो उन्हें अलीहदा अलीहदा महाज भी दिए जा सकते हैं। तीसरा बड़ा लश्कर सलेब के उन मुहाफजों पर मुश्तमिल है जो फलस्तीन से फ्रांस के रास्ते यहाँ दाखिल हुए हैं। ये जो 2 जवान सामने बैठे हैं, इनमें से एक का नाम मैनफ्रेड है और दूसरे का नाम हावरत है। ये दोनों भाई हैं, इन्हें मैंने फलस्तीन की तरफ से आने वाले सलेब के मुहाफजों का सालार आला बनाया है। मैनफ्रेड सालार आला और इसका छोटा भाई हावरत इसका नायब है। गुज़श्ता जंगों में मुसलमानों के सालार अहमद बिन सईद के हाथों हमें बड़ी जख्म उठानी पड़ी। मेरी भतीजी को भी उसने कई बार शिकस्त दी। इनफिरादी जंग में भी मेरी भतीजी के अलावा सलेब के कई मुहाफ़िज़ों को तीघनी में हरा चुका है। अब उसके मुकाबले में इनफिरादी जंग के तौर पर मैनफ्रेड आएगा और मुझे उम्मीद है ये उसे जेर और ख़त्म करने में कामयाब हो जाएगा। मुझे ये भी उम्मीद है कि इस बार अगर मैं और हमारा भाई अल्फांसो दोनों अपनी अपनी कुव्वतों को लेकर निकलें और मुसलमानों के अमीर याकूब अल मंसूर के लिए 2 मुख्तलिफ महाज खोलें और उसकी कुव्वत को भी 2 हिस्सों में तकसीम करते हुए कमजोर कर दें, तो किसी भी सूरत याकूब अल मंसूर और उसके लश्करी हमारे सामने जम न सकेंगे और समंदर पार के अलावा उनको कहीं भी जाए पना न मिलेगी। पर ये तो कहो कि क्या हमारे भाई अल्फांसो ने मुसलमानों के खिलाफ जंग करने के लिए कोई तरीकाकार भी तय किया है? कासिद ने थोड़ी देर तक बड़े गौर से सिंकू और वहां बैठे लोगों का जायजा लिया। इसके बाद उसने कहना शुरू किया, अजीम सिंकू, आपका कहना दुरुस्त है, जंग का तरीकाकार जो हमारे आका अल्फांसो ने तय किया है उसकी इतिला देने के लिए तो हमें आपकी तरफ रवाना किया गया है। हमारे आका अल्फांसो का तरीकाकार ये होगा कि वो अपने पूरे लश्कर को लेकर तलीतलिया से निकलेगा, जहां तलीतलिया से होते हुए वो सांता क्रूज का रुख करेगा और फिर मुसलमानों के इलाकों में दाखिल होकर दूर तक जलवार करता चला जाएगा। आपके लिए ये पैगाम है कि आप अपने मरकजी शहर से निकलकर दरियाई मंदी के उस पार दरिया ताजा का जो मुआविन दरिया है उसके किनारे किनारे जनूब मगरब के रुख पर बढ़ें और शतरीन शहर का रुख करें, जिसे माजी में मुसलमानों के अमीर याकूब अल मंसूर ने छीन लिया था। हालांकि ये आपका शहर है, शत्रीन पर कब्जा करने के बाद आप अपने लश्कर के साथ पेशकदमी जारी रखें और दरिया ताजा के दाएं किनारे पर बड़े शहर शबोना का रुख करें। उसे भी फतह करते हुए अगर आप वहां से अपना रुख बदलकर जनूब मशरक की तरफ आगे बढ़ें तो सामने मुसलमानों का बड़ा शहर बाजा आता है। हमारे आका अल्फांसो का ख्याल है कि अगर आप इस तरह पेशकदमी करते हुए मुसलमानों के शहर बाजा पर कब्जा करें तो उस वक्त वो भी जबली इशारा से निकलकर करतबा के नज़दीक पहुंच चुका होगा। इस तरह एक तरफ से आप और दूसरी तरफ से हमारे आका अल्फांसो आगे बढ़ते रहेंगे, मुसलमानों के खिलाफ घेरा और हिसार तंग होता चला जाएगा और वो हमारी सरजमीन छोड़कर समंदर के उस पार जाने पर मजबूर हो जाएंगे। कासद से जंग का तरीकाकार सुनकर सिंकू ही नहीं उसके सारे सालार भी खुश हो गए थे। सिंकू कुछ सोचता रहा, फिर उसने कासद को मुखातब किया, हमारे मोहतरम भाई अल्फांसो ने जो जंग का तरीका अख्तियार किया है हमें वो मंजूर है और उस पर अमल किया जाएगा। अब तुम लोग चंद दिन यहाँ कयाम करके आराम करो, फिर वापस जाकर हमारे भाई अल्फांसो से कहना कि जंग का तरीका हमें कबूल और मंजूर है, इस पर अमल किया जाएगा। जब वो अपने लश्कर को लेकर तलीतलिया से निकले तो चंद दिन पहले हमें उसकी इतिला कर दे, ताकि जिस रोज वो तलीतलिया से निकलकर मुसलमानों के खिलाफ जरब लगाने की कोशिश करे हम भी अपने मरकजी शहर से निकलें और दरिया ताजा के मुआविन दरिया के किनारे किनारे शतरीन का रुख करें।
इसके साथ ही वो मजलिस ख़त्म कर दी गई थी। अल्फांसो की तरफ से आने वाले कासदों को सिंकू का हाजिब अपने साथ ले गया था। अल्फांसो ने जंग की इब्तिदा करने के लिए कोई ज़्यादा वक्त न दिया। उसकी खातर बड़े बड़े पादरी और राहिब यूरोप के अंदर नसरानी दुनिया को मुसलमानों के खिलाफ उभार रहे थे। ये सारी खबरें अमीर याकूब अल मंसूर तक भी पहुंच रही थी, जो अशबीले के किले हसन अल फर्ज में क़याम किए हुए था। अमीर याकूब अल मंसूर भी चाहता तो ऐसा कर सकता था, इसलिए कि उलमा के सिलसिले में वो बड़ा खुशकिस्मत था। बड़े बड़े उलमा जैसे इब्न अरबी, इब्न रुश्द, इब्न जहीर, अबू मदीन शुएब, इब्न तुफेल, इब्न मुजीर, अब्दुल वाहिद मराकशी और अबुल अब्बास जैसे उलमा अरबाब कमाल याकूब अल मंसूर के हम असर थे। लेकिन याकूब अल मंसूर ने जंग की तैयारियों को अपनी हद तक महदूद ही रखा, ताहम वो अल्फांसो के जंगी जनून और तैयारियों से गाफिल न था। उसके मुखबर सिंकों के मुतलिक भी पूरी इतलात फराहम कर देते थे और एक एक लम्हा की खबर याकूब अल मंसूर तक पहुँच रही थी। अल्फांसो ने जंग की इब्तिदा करने के बहाने तराशने शुरू कर दिए। पहले उसने मुसलमानों के इलाकों में चापा मारने और कत्लो गारत गरी करने का अमल शुरू कर दिया। साथ ही उसने सिंकू को पैगाम भेजा कि वो भी अपने मरकजी शहर से निकले और जंग के तरीक़ाकार पर अमल करना शुरू कर दे। याकूब अल मंसूर को जब खबर हुई कि अल्फांसो ने अपने मरकजी शहर से निकल कर हमारे इलाकों में कत्लो गारत गरी का काम शुरू कर दिया है, तब वो अपने किला हसन अल फर्ज से लश्कर के साथ निकला। इस बार उसने लश्कर की तरतीब मुख्तलिफ रखी थी। अहमद बिन सईद और कराकोश के अलावा हसान बिन जरार भी चूंकि याकूब अल मंसूर के पास किला हसन अल फर्ज पहुंच चुके थे, लिहाजा रवानगी से कबल उनके साथ ये तय पाया कि अहमद बिन सईद, कराकोश और हसान बिन जरार तो सिंकू का मुकाबला करने के लिए शुमाल मगरब की तरफ कूच कर जाए, जबकि बाकी लश्कर के साथ याकूब अल मंसूर अल्फांसो की सरखूबी के लिए रवाना हुआ था। याकूब अल मंसूर के मखबरों ने जब इत्तला की कि अल्फांसो के लश्करियों ने मुसलमानों के इलाकों में चापे मारने और कत्लो गारत करी का काम शुरू कर दिया है, तब अमीर याकूब अल मंसूर अपने लश्कर के साथ बड़ी बरक रफ्तारी के साथ आगे बढ़ा। वो किसी भी सूरत अल्फांसो को मुसलमान इलाकों में दाखिल न होने देना चाहता था, लिहाजा उसने अपने लश्कर के साथ बड़ी तेजी के साथ सफर किया। लश्कर की तरतीब कुछ इस तरह थी कि लश्कर का कलब उसके पास था, हराबुल सरीम बिन तरीक के पास, मैमना की सरकर्दगी उसका बेटा अब्दुल्ला और मैसरा याकूब अल मंसूर के चचा अब्दुर्रहमान बिन यूसुफ की सरकर्दगी में था। कबल इसके के शुमाली उंदलस का हुक्मरान अल्फांसो मुसलमानों के इलाकों में घुसता और दूर तक जलगार करता, मुसलमानों को नुकसान पहुँचा था। याकूब अल मंसूर अपने लश्कर के साथ आंधी और तूफान की तरह अल्फांसो की हदूद में दाखिल हो गया। जो शहर भी उसके सामने आया उसे उसने अपना हदफ बनाया। सबसे पहले उसने अल्फांसो के शहर तरजाला का रुख किया। पहले ही हमले में उसने तरजाला को फतह कर लिया। इसके बाद उसका रुख सांता क्रूज की तरफ था। उस शहर में जो मुहाफ़िज़ लश्कर था वो लम्हों के लिए भी याकूब अल मंसूर के सामने ठहर न सका और उस शहर को भी याकूब अल मंसूर ने फतह कर लिया। फिर मजीद आगे बढ़ा और उस रास्ते का रुख किया जिस रास्ते पर अल्फांसो अपने लश्कर के साथ मुसलमानों के इलाकों का रुख किए हुए था। सांता क्रूज से बाहर दोनों लश्करों का आमना सामना हुआ। फिर दोनों लश्करों ने एक दूसरे के सामने पड़ाव कर लिया। शायद सांता क्रूज के मैदानों ही को दोनों लश्करों ने मैदान जंग और रजमगाह बनाने का तहिया कर लिया था। दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने पड़ाव कर गए। साथ ही दोनों लश्करों ने अपनी सफें भी दुरुस्त करना शुरू कर दी। अल्फांसो को अपने लश्कर पर बड़ा भरोसा, बड़ा घमंड था, इसलिए कि जो लश्कर याकूब अल मंसूर उसके सामने लेकर आया था उससे 10 गुना से भी ज्यादा उसके पास लश्कर था। लिहाजा उसे पूरा यकीन था कि वो इस मरतबा याकूब अल मंसूर को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएगा। अल्फांसो ने अपने लश्कर को कुछ इस तरह आगे बढ़ाया कि सबसे आगे हराबल के तौर पर उसने सेंट जॉन के नाइट्स को रखा, इसलिए कि ये नाइट्स बड़े नाकाबिले तस्खीर ख्याल किए जाते थे। गो फलस्तीन के मैदानों में सुल्तान सलाहुद्दीन और उसके जाननिसारों ने उसकी हालत बड़ी बदतरीन की थी, लेकिन यहाँ स्पेन में उसके हौसले बड़े बुलंद थे। सेंट जॉन के उन नाइटों के पीछे एक तरफ टेम्पलर, दूसरी तरफ हॉस्पिटलर थे। इस तरह पहले तीन कुवतों को अल्फांसो ने आगे बढ़ाया। वो यही ख्याल करता था ये तीन कुवतें ही मुसलमानों को रौंद कर रख देंगी। सेंट जॉन के नाइटों से अल्फांसो ने बेशुमार उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी।
वो उसकी जंगजुयाना रिवायात और उनकी जरूरतमंदी से बड़ा मुतासर था।